अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो एक और वीडियो में खुशामदीद। मुझे मालूम है मैं बहुत अरसे के बाद वीडियो बना रहा हूँ और मेरे बैकग्राउंड से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मैं न्यू कमरे में हूँ और मेरा कमरा चेंज भी हो चुका है। इसके पीछे की सारी स्टोरी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो स्टिक टुगेदर। सो स्टार्ट करते हैं पुराने वाले घर से, जहाँ से हमने स्टार्ट करा था सारी चीज़ें एंड स्टफ लाइक दैट। सो मूव ओवर देयर। Hey, welcome. So I'm recording. Yes, finally. So if you are seeing on YouTube, which means I might upload this, I don't know. But as you can see at the background, yep, right there, we are packing again and we are shifting again. It's 4:56 in the morning, a.m. 4:56 a.m. in the morning, and I'm recording this. Ignore my appearance. It's always been a bhangi type experience. I don't know what I'm talking about. Okay, so let me just quickly explain what is going on. So because of these stuff, like the owner of this house didn't repair the seepage and color of the whole house and stuff like that, that's why we needed to shift it again. And it's lots of things that I needed to talk about to you guys, which I will be sharing in this video or maybe upcoming videos, so stick together. I'll explain it in a bit. So yep, and I'm looking like fat, so just ignore that. Just see you. Hello. Yeah. Yes, we are shifting again. और हमारे साथ आए हैं शैन भाई और हसन, है ना? यहाँ दत्तू और दत्तू घर ले जाओ, इनको घर ले जाए, ये आपकी शिफ्टिंग करने में मदद करेंगे। सही। तो अभी हमारे पास आए हैं हमारे दोस्त हिबाब साहिब, ताकि ये पंखे खोल सके, क्योंकि हमारा हाथ नहीं जाता। खुल गया। राइट, लेट द शिफ्टिंग बिगिन। वी आर शिफ्टिंग राइट नाउ। शैन भाई सुबह उठ गए हैं और हम भी, और आधा घर शिफ्ट हो गया। मुबारक हो, खैर खैर मुबारक, बहुत सारी, है ना? हाँ, बिल्कुल। वेलकम टू माय न्यू वर्ल्ड, थैंक यू। ओके ओके, तो हमने फाइनली घर शिफ्ट कर लिया है और ये मेरा न्यू कमरा है। लेट मी गिव यू अ टूर फॉर दिस रूम, जो कि मुझे लगता है आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। मतलब जितने भी मेरे पुराने कमरे थे उन सबसे तो ये अच्छा ही है, मुझे तो ऐसा लगता है। अब आप लोगों को लगे ना लगे, दैट्स नॉट माई डील। सो लेट्स गो। All right. So ignore my appearance because मैंने पंखा बंद कर रखा है और पंखा बंद करने की ही वजह से मेरी ये हालत हो रही है, फुल पसीने में लथपथ, और इस वजह से मैं इस तरीके से बनाने वाला हूँ। तो लेट मी जस्ट गो थ्रू क्विकली थिंग्स जो कि काफ़ी अर्से से मैंने एड्रेस नहीं करी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत ज़्यादा बिजी था अपने काम में और दैट्स वाई आई एम नॉट रिकॉर्डिंग एंड स्टफ लाइक दैट। लेकिन अब मैंने अहद करा है अपने आप से कि हर हफ्ते एक वीडियो इंशाल्लाह अपलोड करूँगा, जो कि अच्छी होगी क्वालिटी वाइज भी और स्टोरी वाइज भी। सो इट्स जस्ट अ नॉर्मल अपडेट। और क्या था और कुछ इतना ख़ास चल नहीं रहा है आजकल लाइफ में ना, तो इसलिए इतना कुछ है भी नहीं। और मुझे मालूम है यहाँ पे बहुत सारे नए लोग भी आए हुए हैं, तो उन सबको भी खुश आमदीद बिकॉज ऑफ यंगस्टर वीडियो, जो कि अभी भी मेरे बैकग्राउंड पे चल रही है। इफ़ एनीबडी कैन नोटिस्ड, येप ये I'm very bad at this. Okay, so yes, welcome you guys. तो इस चैनल पे मैं बाकायदा, ये जो इस चैनल पे होता है ना, वो सर मेरे लाइफ के रिलेटेड होता है। उसमें बहुत सारी बॉन्गी वीडियोस भी होती हैं, जस्ट लाइक दिस वन। एंड आई डोंट नो कि मेरे बाल हमेशा कितना ख़राब होता है। और एक और बात बताते चलूँ कि मैंने अभी हाल ही में मैंने मुजम्मिल के साथ एक वीडियो भी रिकॉर्ड करी है। मुजम्मिल कौन, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो स्टिक टुगेदर फॉर दैट वन एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। मुझे कुछ ना कुछ अपलोड करना था, इसलिए मैंने ये बना लिया कि हमने घर चेंज कर लिया। तो यही है, यही सब चीज़ें हैं मेरे पास, और कुछ बकवास करने के लिए होता नहीं है। काफ़ी दिनों बाद कैमरा पकड़ा है, तो इसलिए इग्नोर के मैं बहुत सारी बोंगियाँ मार रहा हूँ। मैं जो हर दफ़ा हर वीडियो में बोलता हूँ कि मैं बोंगियाँ ही मारता हूँ, मैं बोंगियाँ ही मार रहा हूँ। आप सब जा सकते हैं, वीडियो ख़त्म हो चुकी है, मुझे बस इतना ही बताना था। थैंक यू।